नरेंद्र मोदी मैदान में उतर रहे हैं, आज आपके नेता भी कन्नौज में मैदान में उतर गए, आज वोटिंग के दौरान वहां पहुंचे। अब मुझे ये बताइए, चौथे चरण के बाद आपका आंकलन क्या है भाटी जी? नहीं, चौथे चरण के बाद हमारा आकलन ये है कि 4 जून को भारत की सरकार बदलने जा रही है। NDA 200 से नीचे रुक जाएगा। और अगर शहजाद भाई अभी कह रहे थे, अगर इतना विकास हुआ है और विरासत को आपने संजोया है, तो अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं माननीय मोदी जी? माननीय मोदी जी क्यों देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं? बार बार एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें उठा रहे हैं। उड़ीसा में जाके तो जिलों की कैपिटल पूछने लगे कि नवीन पटनायक बताएं उनके किस जिले की कैपिटल कहाँ है। अब ये जिलों की कैपिटल कब से होने लगी है, ये हार की बौखलाहट है। कभी कहते हैं तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे, कभी कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। और जिस स्तर पर देश के प्रधानमंत्री को कभी नहीं आना चाहिए, कह रहे जब कांग्रेस थी तो क्रिकेट टीम में मुसलमानों को बढ़ देती थी। कौन सा ऐसा मुस्लिम खिलाड़ी हुआ जो क्रिकेट टीम में था और जो प्रतिभाशाली नहीं था, जिसने शानदार उपलब्धियाँ हासिल नहीं की? ये देश के प्रतिभाओं का भी अपमान है और देश के खेल को भी धर्मों में बांटने का षड्यंत्र है। इस तरह के छोटी बातों पे जब देश का नेता उतर आए, तो ये जाहिर हो जाता है साफ साफ कि वो हार के डर से बौखलाए हुए हैं। आपने उन आज कन्नौज का जिक्र किया, कन्नौज में आज के चरण में और पहले चरणों में भी कह रहे हैं ये हार के डर से बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने जीत का आंकड़ा पार कर दिया है। वाक्य में और बोलना चाहता हूँ सुनीता जी, आपकी परमिशन हो तो। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए, मतदान के दिन जो नंगा नाच देखने को मिलता है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत खतरनाक है। बीजेपी के गुंडे बूथों में घुस घुस के बदमाशी करते हैं। जो अजय मिश्रा टेनी जो देश के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, वो आज नाबालिग बच्चों को लेकर बूथ के अंदर घुस गए और उनसे बटन दबवा रहे थे, और एक एक बच्चा कई कई बार बटन दबा रहा था। कन्नौज में लाठियां चलाई गई मतदाताओं के ऊपर, जगह जगह पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, पुलिस धमका धमका के भगा देती है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है शहजाद, ये जो सारी तस्वीरें हैं ये सबके सामने है आज, क्योंकि यहाँ भव्य रोड शो है। मैं यहाँ पर लोगों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं चौथे चरण की वोटिंग के दौरान, क्योंकि ये वो वाले आरोप है जो 4 जून को भी दोहराए जाएंगे, नतीजा जिस तरफ भी होगा। देखिए सुचारिता जी, अभी तो मैंने उपलब्धियों की बात की, तो उन्होंने कहा आप सांप्रदायिक मुद्दों पर जाते, तो वोट जिहाद ये सांप्रदायिक मुद्दा था, ये सेकुलर मुद्दा था। राम मंदिर बेकार है, सांप्रदायिक है या सेकुलर मुद्दा है? प्रभु श्री राम और शिव के बीच में मुकाबला कराना है, ये खड़गे जी ने कहा, ये सांप्रदायिक है या ये सेकुलर मुद्दा है? सनातन की समाप्ति की बात करना, ये सांप्रदायिक है या ये सेकुलर मुद्दा है? इसीलिए मैं कहता हूँ, और जहाँ तक सवाल है मुस्लिमों का, तो मैं समझना चाहता हूँ इनसे कि OBC SC ST के आरक्षण से छीन कर आंध्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में और अन्य जगहों में धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, ये संविधान सम्मत था या अंबेडकर जी के साथ था या अंबेडकर जी के खिलाफ SC ST OBC के खिलाफ था? और जिसने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करा देंगे, मतलब कि एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है और वहां पर दर्शन के लिए जाती है, तो उसके बाद नाना पटोले कहते हैं कि हम राम मंदिर को, क्योंकि वो अशुद्ध मानते हैं, उसका शुद्धिकरण कराएंगे। ये मुद्दे हैं क्या? हम तो मुद्दों की लगातार बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दीजिए कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम सांप्रदायिक है ना, हम कह रहे हैं UCC होना चाहिए। एक बार भाटी जी लिख कर दे दे कि पर्सनल लॉ नहीं, UCC चलेंगे, पूछ लीजिए भाटी जी से, नहीं बोल पाएंगे। और देखिए, मैंने काशी के लिए किए गए कामों को गिनवाया, तो अब कैसे भाटी जी मैं एक बार जरा यहाँ पर वाराणसी में शहजाद, क्योंकि आप लोग मुझसे थोड़ा सा मेरे साथ सहानुभूति दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ शोर इतना ज्यादा है, कई बार मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पाती, कई बार थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, मेरे ठीक पीछे गोधुलिया चौराहा है, जहाँ पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। मैं धीरेन्द्र जी के पास आऊँ, वरुण जी आपके पास आऊँ, उससे पहले एक बार जरा चौथे चरण की वोटिंग पर, मुझे लगता है मैं यहाँ पर एक बार जरा आकलन लोगों का ले लेती हूँ कि उन्हें क्या सोचते। मैम आप यहाँ बनारस की है, देखिए लोग, आप बनारस के? बिल्कुल। आप कार्यकर्ता? बिल्कुल। क्योंकि टोपी लगाई हुई आपने तो धर्म जी, क्या लगता है आपको 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार होगा? निश्चित 100%। लेकिन जो जो वोटिंग हो रही है अलग अलग चरणों में, और कहां कहां से किन राज्यों से सीटें निकल कर मोदी जी जिस भी राज्य में हैं, जहां उन्होंने गए, वो गए हैं, अपना काम किए हैं, सारे राज्यों से अच्छी सीट निकल के आने वाली है। सारे राज्यों से? आप बताइए, आप यहाँ के? हाँ यहाँ के हैं। मैं UP के हूँ।
मऊ जिला, मऊ जिला मऊ से आए हैं यहाँ का। बताइए बनारस में प्रधानमंत्री जी को देखने आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या जीत होगी? 400 पार होगी। क्यों? 400 पार का। आप यहाँ के बनारस लड़के यूपी बहुत लोग बनारस तो ये पर विकास हुआ है? काम तो हुआ है। अच्छा मैं जरा एक बार जरा क्योंकि उस तरफ जाऊंगी तो बहुत सारे लोग हैं और उधर से ही रोड शो निकलना है, मैं एक बार जरा आपसे पूछ रही हूँ अरुण पुरोहित जी, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि कई ऐसे राज्य बंगाल जैसे तेलंगाना जैसा आंध्र प्रदेश बीजेपी की बढ़ने वाली है, तो रोड से भले ही बात कर रही हूँ वाराणसी सीट मान नहीं है, लेकिन ऐसी सीटें जहां पर आप लोग नहीं भी उम्मीद कर रहे वहां भी सरप्राइज होगा। सुचरिता जी आपको सबसे पहले तो साधुवाद, शाश्वत पावन भूमि काशी के दर्शन आप हमको घर बैठे करा रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें। सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, आपको बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। देखिए गंगा, एक गंगा की सौगंध भी पिक्चर आई थी, गंगा माता के ऊपर कई पिक्चर बनी है, अमिताभ बच्चन की बनी है, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई इवेंट हो रहा है, गंगा माता में गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूं, और काम गिना रहे हैं क्या कर रहे हैं, अभी शंकराचार्य जी से ही आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप देखो क्या हालत हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की, मनोदशा देखिए, आदि शंकराचार्य से कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी एक मनुष्य का, तो ये कभी भगवान से करते हैं, हर हर महादेव की जगह मोदी जी का नाम लेते। देखिए मैं ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता और ना ऐसे, मैं तो भगवान की कृपा करे ये लगा रखे, इसलिए सुनना भी नहीं चाहता ऐसी बात, पाप कर्म किसी का तो ये। लेकिन जहां तक आप बात करो राजनीतिक रूप से जो रोड शो हो रहा है ये प्रधानमंत्री का हो रहा है, प्रत्याशी का हो रहा है, ये भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी हो रहा है तो आचार संहिता में प्रधानमंत्री जी रोड शो कैसे कर सकते हैं, प्रत्याशी करता है तो प्रत्याशी इतना भव्य रोड शो कैसे कर सकता है, चुनाव आयोग के संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरा जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप कह रहे हो, 101% पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है जब राष्ट्रीय स्वरूप का नेता कोई पूर्वांचल में रोड शो करता है, दूसरी स्टेट्स में रोड शो करता है, उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, वोटों पर इम्पैक्ट भी पड़ता है, और ये 4 तारीख को देखने को भी मिलेगा। मैं ऐसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता कि भाई मोदी जी हार जाएंगे सारा विपक्ष आ जाएगा, विपक्ष हार जाएगा मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई राष्ट्रीय नेता, इतना बड़ा नेता जो किसी भी कैसे भी बने हुए हैं राष्ट्रीय नेता है, वो कहीं जाते हैं तो उसका फर्क तो पड़ता ही है वोटों पर। 4 तारीख को जनता महंगाई बेरोजगारी, इस बार क्योंकि पिछली बार जब बनारस में 2014 में प्रधानमंत्री लड़े थे यहाँ से चुनाव, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जमानत जब्त हुई थी, उसके बाद भले ही 2019 में भाटी जी यहाँ पर तस्वीर बदली हो, लेकिन जो वोट परसेंटेज था 64% वोट प्रधानमंत्री के खाते में गए थे 2019 में, यहाँ के लोग मानते हैं कि इस बार उससे भी ज्यादा होगा। और अगर कोई जनता तीसरी बार अपने सांसद को जिताकर और हर बार वोट मार्जिन बढ़ाकर वोट करती है, अभी नहीं पता है 4 जून का वेट करेंगे, तो क्या उसके मायने ये नहीं है कि वो अपने सांसद को रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स पूरे दे रहे हैं? नहीं, मैं वरुण जी की बात से सहमत हूँ, वो ठीक कह रहे थे। प्रधानमंत्री स्तर का नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसका माहौल अलग ही होता है, और उनका है ठीक है, वो दिखाई दे रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बात कर रहे हैं इतिहास की, हम बात कर रहे हैं भविष्य की, 4 जून को क्या होना है। 4 जून को ये सरकार बदल जानी है, लोगों में बहुत नाराज़गी है, लोगों में बहुत गुस्सा है। अब जो अभी जो हमारे शहजाद भाई कह रहे थे कि सांप्रदायिक मुद्दे उठा रहे हैं, आप हमारे नेताओं के भाषण सुनिए, मैं केवल अपने नेता की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के नेता के भी और दूसरी पार्टी भी जो है इंडिया गठबंधन में, तेजस्वी के भी भाषण सुनिए। हम लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम किसान की MSP की बात कर रहे हैं, हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो चुनाव के लिए ज़रूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर हाइएस्ट नेता तक सारे क्या कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों को लड़ाने के मुद्दे उठा रहे हैं। ये दलितों का आरक्षण काट के मुसलमान को दे देंगे, OBC का आरक्षण, हम तो कह रहे हैं जनगणना कराइए आप, जाति जनगणना कराइए और 50% की सीमा को हटाइए और जितनी संख्या OBC की उतना आरक्षण दीजिए, हम तो OBC का आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि काट देंगे,
अगर मुस्लिम समाज के लोग भी पिछड़े हैं, अगर वो भी सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनका भी हक है आरक्षण लेने का। किसी धर्म के नाम पे आप किसी से इतनी नफरत करते हैं कि उनका आप हक मारना चाहते हैं, उनकी आप उनके उनको आप विकास नहीं चाहते।